संस्काराचार्य ने सदगुरु की महिमा गाई, जिस दर्जे में बैठ के इसने गाई वो सुन रहा नहीं सकता। मगर असलियत क्या है, सदगुरु है कहाँ रहता? दाता दयाल की जुबानी बताता हूँ सदगुरु कहाँ रहता है, और ताराचंद को सोचना चाहता हूँ कि अपनी आंख खोले। ताराचंद की या दूसरों की आंख खोलना चाहता हूँ, जिस दर्जे पर बैठ के इसने सत्संग कराया वो छोड़ा नहीं सकता। मगर असली सदगुरु जिस सदगुरु की ये तारीफ करते हैं वो सदगुरु है कौन? दाता दयाल की बात बातें पढ़ो। मैं सारी संगत से अर्ज करूंगा कि पिछले आदमी तंग है, जिनके आगे जगह खाली है। साधो बुरे करो पहले खान। ताराचंद जी जरा सोच समझ के सुनो। जो कोई आवे मेरे सभा में बुरे करो पहले खाऊं। साधो बुरे करो पहले खाऊं। सत रज तन के हद से बाहर गुरे मूरत दरसाऊं। मेरे गुण सारे गुण देह न जाके अदब दो भेद जताऊं। साधो गुर का रूप देखाऊं। हाड़ मासे नाड़ी नहीं जाके हाड़ मासे नाड़ी नहीं जाके वाके रूप न नाऊं। वाके रूप न नाऊं। सब का सब में सब से न्यारा। सब का सब में सब से न्यारा। मरम बचे त्रजताऊं। मरम बचे त्रजताऊं। साधो गुर का रूप ले खाऊं। रूप अरूप स्वरूप अनूपा निराकार ठहराऊं। रूप अरूप स्वरूप अनूपा निराकार ठहराऊं। राधा स्वामी चरण चरण बलहारी पल पल गुर गुन गाऊं। राधा स्वामी चरण। अब ये गुरु का रूप है क्या? मैं कहता हूँ ताराचंद तू परम संत बन जाए। अभी साधु की चाहिए अवस्था है, संत नहीं बना तू, बन जाएगा। ताकि जब संत बन जाएगा उस वक्त जो तेरी ये चीज जाएगी दूसरों को शांति देगी। वो सदगुरु कौन है? जब से तुम लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता तो मैं कह जाता हूँ आ गया प्रकाश और शब्द। जो चीज मेरे अंदर प्रकाश और शब्द को देखती है वह सदगुरु। वो कौन है? मेरी अपनी जात। वो मेरी अपनी जात है, दूसरा कोई नहीं। मगर ये ऐसा मैं हर एक आदमी समझ नहीं सकता। इस वास्ते दर्जे हैं। तो जिस दर्जे में संतरा चलने कहा है ये जीवों को उभार सकता है। ये गुरमुख है। गुरमुख को जिन जीव उभारे, गुरमुखों की वजह से लोग सत्संग में आते हैं। मेरा काम अब गुरमुख का नहीं रहा। आनंद की ये ब्रेक है। मेरे पास जो आएगा मैं तो उसको आजाद करना चाहता हूँ। गुरमुख जो आएगा वो उसको सत्संग में फंसाएगा, और फंसाना चाहिए भी। जब तक वो फंसेगा नहीं आजाद क्या होगा? समझ गया मेरी बात को? मैंने क्या कहा?
देना क्या है, हर चीज की सेलिन है, आप समझते हैं ना। अच्छा जी, आप बाकी क्या होता है ये बताओ। सन 1933 में मैं उत्तर प्रदेश से आप लोगों के दर्शनार्थ आया हूँ, और उत्तर प्रदेश के आचार्य की हैसियत से आप पंजाब के भाई बहनों को और दक्षिण हैदराबाद से आए हुए महानुभावों को और संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए को, एंड फ्रॉम दोज हु हैव कम फ्रॉम फॉरेन लैंड, मैं सबके चरणों में आप सब लोगों को सतगुरु का स्वरूप समझकर करबद्ध हृदय से राधा स्वामी करता हूं। सन 1925 में एक बार दाता दयाल पधारे, मैं उस समय एक छोटे क्लास का विद्यार्थी था, अपने कमरे में कमरा सजा हुआ था। जब दाता आने को हुए तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम लोग कमरा खाली कर दो, इसमें गुरु महाराज आएंगे। हम लोगों ने कमरा खाली किया, धोया धाया सजाया, और उसमें चित्र लगा रखा था मैंने राम के, कृष्ण के और शिव जी के। मेरे पिताजी ने कहा कि सब तस्वीरें हटा दो और केवल गुरु महाराज की, दाता दयाल की एक तस्वीर लटका दी। उस समय मेरे मन में, मैं अभी बच्चा था, मेरे मन में ये बड़ी उलझन हुई कि मेरे पिताजी ने ये राम की तस्वीर और कृष्ण की तस्वीर क्यों हटवा दी और गुरु महाराज की तस्वीर रखी। ये बात है सन 1925 की, मैं अभी छोटा विद्यार्थी था और पहले बार ही महाराज जी का, दाता दयाल जी का मुझे दर्शन हुआ सन 25 में। तो मुझे ये उलझन थी कि मेरे पिताजी ने राम की और कृष्ण की और शिव जी की जो चित्र टंगी हुई है, विष्णु की, ये हटवा क्यों दिया। छोटा था तो मैं समझ नहीं सका इसको। और एक तस्वीर वो दाता दयाल की टंगवा दी उन्होंने। सत्संग हुआ, सत्संग तो मैं समझ नहीं सका, मगर मेरे मन में एक बात थी कि ये तस्वीरें हटवा क्यों दी। सन 1933 में राधा स्वामी धाम में दाता दयाल के सत्संगों में गया, उपदेश लिया, दीक्षा ली। तो जो कुछ भी दीक्षा दिया, उपदेश साधन करने के लिए करता तो रहा, लेकिन कुछ खुला नहीं, नांतर में कुछ खुला और ना उसका आनंद मिला, कोई रस नहीं मिला। सन 33 में दाता दयाल ने कुछ भजन लिख करके उसको छपवाया और वो गुटका तैयार हुई भजन विलास के नाम से। उसमें एक शब्द मैंने पढ़ा, अच्छा वो भजन तैयार होते थे तो हम लोग उसको रोज पढ़ते थे और उसके कुछ शब्दों को पढ़ करके मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर ये शब्द ऐसे लिखे हुए हैं तो क्या ये सही है। उसमें शब्द है, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू, मैं फकीर का नाम दीवाना, इस प्रकार के शब्द हैं। अपने तन के चाम की जूती, पग फकीर पहराऊं, आप तरूं औरों को तारूं, ले फकीर शरणाई, इस प्रकार के शब्द रोज रोज पथ में छपते थे और हम लोग उनको देखते थे, पढ़ता था। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि मेरे पिताजी ने तो वो राम की और कृष्ण की और शिव की तस्वीर हटवा दी थी, अब परम दयाल जी, दाता दयाल जी ये लिखते हैं कि मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं मानू, मैं फकीर का नाम दीवाना, आप तरूं औरों को तारूं, इस प्रकार के शब्द से दो बातें मेरे सामने आई। मेरे पिता ने यह काम किया, राम कृष्ण के सब तस्वीर हटवा दी, और दाता दयाल ने कहा कि मैं राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, ईश विष्णु को नहीं मानता, केवल फकीर के नाम का दीवाना हूं और उसकी शरण से अपने भी तरूं औरों को भी तारूं। ये सब बातें मेरे लिए भी उलझन की थी। फिर सन 35 का जमाना आया धाम में, और परम दयाल जी महाराज पधारे हुए थे,
मुझको परम दयाल जी महाराज का प्रथम दर्शन सन 1935 में राधा स्वामी धाम में हुआ था। और ऐसा वाकया हुआ कि महाराज कुछ ये कहते थे, चाहते थे कि अगर दाता दयाल धाम को नहीं छोड़ जाते तो मैं ये समझूंगा कि दाता दयाल को धाम से मोह है, अटैचमेंट है, और वो उनको धाम से निकालने के लिए गए हुए थे। बात ऐसी है, परम दयाल जी महाराज 1935 में धाम गए इस मिशन को लेकर के कि या तो दाता दयाल को धाम से निकालूंगा या मैं ये समझूंगा कि दाता दयाल धाम में फंसे हैं। ये बात थी, ठीक है। कुछ ऐसा माहौल हुआ कि दाता दयाल के एक शिष्य ने एक बुजुर्ग शिष्य को एक चाटे लगाए, मारा था। अब उस समय दाता दयाल ने एक अपने डिसाइपल को, शिष्य को गद्दी पर बैठा दिया। बाबू लालता प्रसाद साहब थे, पुराने सत्संगी, उनको गद्दी पर बैठा दिया और दाता दयाल ने उनके मत्थे टेक दिए और चल दिए वहां से। तो जितने सत्संगी उपस्थित थे वो सब ये समझ कर रोने लगे कि शायद अब दाता दयाल शरीर छोड़ जाएंगे, क्योंकि अब तो दूसरा गुरु बना दिया। और अलग अलग मत में एक ये वहम फैला हुआ था, या अब भी फैला हुआ है, कि गुरु जो है धार अपनी देता है और एक गुरु के बाद दूसरा ही गुरु हो सकता है और किसी में नहीं जाती। इस प्रकार के सही या गलत वहम फैले हुए हैं रहस्य और मत में। तो लोग रोने लगे, मैं वहां मौजूद था। तो लोगों ने समझा कि अब दाता दयाल सही छोड़ जाएंगे। उस वक्त महाराज ने यह कहा था कि अरे बेवकूफ, दाता दयाल शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर तो लालता प्रसाद छोड़ जाएगा। मैंने अपने कानों से बात सुना हुआ था और हुआ ही ऐसा। दाता दयाल तो शरीर नहीं छोड़ गए, आदरणीय श्री लालता प्रसाद साहब कुछ दिनों के बाद शरीर छोड़ गए। ये मुझे पहला परिचय मिला था महाराज का 1935 में। यह तीसरा वाक्य है। 1938 में अच्छा पुराना धाम तो छोड़ दिया महाराज ने, दाता दयाल ने, और एक नई धाम बनाई, वहां रहते थे झोपड़े में। मैं उनके पास बहुत जाया करता, दाता दयाल के पास बहुत जाता था। प्रकृति अपनी थी, अकल कम थी, आज भी मुझे अकल बहुत नहीं है, थोड़ी अकल है। और जो भी थोड़ी बहुत अकल रही 1972 में मैंने महाराज के चरणों में दे दी, मैं अब बिना अकल का हूं। जन्म से भी मुझे अकल कम थी, छोटे क्लास में पढ़ता था तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि दाएं जूता और बाएं जूता कौन किस में पहनूं, इस प्रकार के था मैं। मेरे बड़े भाई थे, मुझको संभालते थे। तो 1972 में मैंने जो कुछ भी अकल मेरे पास थोड़ी बहुत थी महाराज के चरणों में मैंने डाल दी, अब मैं बेअकल का हूं। तो 1938 में मैं धाम आया हुआ था दाता दयाल के पास। उनके मेरे पिता की आज्ञा थी कि सेवा किया करो, तो क्या सेवा करता, छोटा था, 8-9 का विद्यार्थी, उनके हुक्के भरा करता था दाता दयाल के। गर्मी के दिनों में पंखे आका करता था, कभी सर में तेल लगा देना, ये करता था बाहरी जिस्मानी सेवा। और रात के समय जब दाता दयाल सोते तो उनका पांव दबाता था, और पांव दबाते दबाते आखिर में जब छोड़ता पांव दबाने से, तो एक बार एक तलवार चाट लेता और दूसरी बार दूसरा तलवार चाट लेता। ये भक्ति थी अज्ञान की, और सही बात है कि मैंने देखा भी था। हमारे पिताजी दाता दयाल का वो जो पीकदान होता था उसको पी जाते थे, एक ही बार मैंने कहा छुप पीते थे, देखा मैंने एक बार। तो मुझे भी भक्ति हुई, तो मैं दाता दयाल का पैर दबाते दबाते जब पैर दबा छोड़ता था रात में, तो एक बार एक तलवार चाटता और दूसरी बार दूसरा तलवार चाट लेता था। एक बार ऐसा वाकया हुआ कि कुछ देर तक तलवार चाटता रह गया। दाता दयाल ने ये उनके कुछ पैर में गुदगुदी हुई, पूछा कि कौन हो तुम? मैं डर गया, सपट गया। कौन हो तुम? मैंने कहा हुजूर मैं प्रेमानंद हूं। उठ करके वो खड़े हुए और मुझको अपने गोद से लगाया और मेरी पीठ ठोकी। उस वक्त 1938 में दाता दयाल ने एक वाक्य कहा मुझको कि अच्छा जी प्रेमानंद, तुम्हारा भी एक दिन वक्त आएगा। ये मैं अपना परिचय दे रहा हूं जो कभी मैंने महाराज के चरण में कहा नहीं, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया कुछ इनके बातों से और कुछ आप लोगों के खोपड़ी में जो बातें हैं। तो दाता दयाल ने मुझको ये कहा कि अच्छा जी प्रेमानंद, तुम्हारा भी एक दिन वक्त आएगा। मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था, मैं इस वाक्य को कुछ समझ नहीं सका।
ये संत की कोड लैंग्वेज। अच्छा जी प्रेमानंद, तुम्हारा भी एक दिन वक्त आएगा, इसका मैं क्या आंख लगाता, या आप लोग सुनकर बताइए क्या आंख लगाएंगे। ये मौसी जी महाराज ने मुझको कहा था सन 1938 में। तो वो मुझे कुछ बात नहीं समझ में आई, बात आई बात गई, तो 1939 में दाता शरीर छोड़ गए। उस वाक्य को मैंने कभी नहीं समझा कि क्या मतलब है इस वाक्य का, और कभी न खुलता, आज भी न खुलता। सन 1972 में, मैं आपको आगे ले चलता हूं, सन 1938 से 1972 में छलांग लगा के आगे ले चलता हूं। 1972 में मैं धाम पर आया हुआ था। महाराज को मैं जानता तो था और मानता था, लेकिन महाराज की तरफ से मेरे अंदर अभी यह भाव था कि दाता दयाल दूसरे हैं और परम दयाल जी दूसरे हैं। परम दयाल जी को संत मानता हुआ भी दाता दयाल को दूसरा समझता था और परम दयाल जी को दूसरा समझता था। ये बात सही है, सन 1972 तक मेरी याद रही। तो 1972 में धाम पर आया हुआ था। महाराज की कुछ तबीयत अस्वस्थ थी। सुबह का 8 बजे का सत्संग होने वाला था। महाराज ने आदरणीय स्वर्गीय भाई मानचंद जी से ये संदेश दिलाया कि भाई संगत को ये कह दो कि आज मैं कुछ अन्य मनस्क हूं, इस वक्त का सत्संग पोस्टपोन जाएगा, शाम को 4 बजे वाला सत्संग होगा। आदरणीय स्वर्गीय भाई मानचंद जी आए और संगत को कह गए कि भाई महाराज की कुछ तबीयत खराब है, सुबह का सत्संग जो 8 बजे का है वो नहीं होगा, शाम को 4 बजे वाला सत्संग होगा। सब सत्संगी वहां बैठे थे, हाल भरा हुआ था, पानी बरस रहा था, हल्की बूंदा बांदी हो रही थी। सत्संगी बाहर निकल नहीं सके, भीतर बैठे रह गए, भरा हुआ हाल। अब क्या करें, चुप्पी बैठी हुई थी। महाराज कुछ अस्वस्थ थे, अपने कमरे में थे। तो मैंने जब देखा कि सब सत्संगी भरे हुए, मैंने अपने माता जी से कहा, और हमारी चाची थी, हमारी सास थी, मैंने कहा भाई महाराज तो इस वक्त कुछ अस्वस्थ है, आप लोग 2-4 शब्द पढ़ दीजिए, यही आज का सत्संग हो जाएगा। तो उन लोगों ने 2-4 शब्द पढ़ना शुरू किया, कुछ तार वचन का और कुछ भजन विलास से। उसमें 2-1 शब्द ऐसे थे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसकी तशरीह करना शुरू कर दी, एक्सप्लेनेशन अपनी माता जी को कि आप समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जीवन भर तो आप लोग पढ़ती रही इसके माने आप लोग समझते हैं। कुछ ऐसे मैं 5-7-10 मिनट बोलता रहा। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि माइक फिट है और लाउड स्पीकर फिट है और ये मेरे शब्द बाहर महाराज के कान जाते, मुझको ये पता नहीं था, तो मैं कभी गुस्ताखी नहीं करता हूं। लेकिन मेरे अनजाने में वो शब्द महाराज के कानों में जाते रहे होंगे। महाराज ने पूछा मामचंद जी से कि भाई ये कौन सत्संग कौन कर रहा है। मामचंद जी आए और देख करके पूछताछ करके बताया कि वो एक प्रिंसिपल है, वो माई का दयाल के माई का लड़का प्रिंसिपल है, वो सत्संग कर रहा है। महाराज ने उस वक्त उनके मौज में जो बात आई हो, उन्होंने कहा है कि तो बड़ा काबिल आदमी है, ये तो आचार्य पदवी के काबिल है, मैं इसको आचार्य बनाऊंगा। मुझे सब बातों का कोई पता नहीं, ये तो बाद में आदरणीय मानचंद मुझको बताया था बाद में। तो शाम को महाराज जब बाहर सत्संग देने आए तो उन्होंने सत्संग दिया और फिर मुझे बुलाया कि वो प्रिंसिपल कहाँ है। तो मैं क्यों मुखातिब हूँ, मैं समझता था राजस्थान धाम के प्रिंसिपल बुलाते थे, वो चंदे लेने के लिए आते थे, राजस्थान धाम में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल साहब चंदे लेने के लिए आते थे। मैं समझा कि वो चंदे लेने आए होंगे, मैं मुखातिब नहीं हुआ महाराज को। तो मैं नहीं मुखातिब हुआ तो मैं भी फिर कहा वो दयाल की माई का प्रिंसिपल रखा है कहाँ है। तो मैं बड़ा डरा और डर करके आगे आया, हाथ जोड़ खड़ा हुआ। महाराज ने फरमाया तुम कभी होशियारपुर आया, मैंने कहा हुजूर नहीं आया, तुम्हारी माँ तो आती है, तुम्हारे और लोग आते हैं, मैंने कहा जाते हैं हुजूर, तुमको नहीं आया। मैं खामोश था। तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, उस समय में तनख्वाह 7-7.5 थी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 10। तुम्हारे ऊपर तो बड़ा बोझा है जी। अच्छा तुम मानवता मंदिर में आना, मैं तुम्हारे आने जाने का किराया दूंगा और तुमको मानव चोगा पहनाऊंगा, मनुष्य भाव का चोगा पहनाऊंगा। मैं बड़े फेर में पड़ा, बड़े हैरानी में पड़ा कि ये विपत्ति कहां से मुझको मिली। उस समय नहीं पता था मुझको सुबह क्या हुआ था, फिर शाम को। खैर मैं आज्ञा मान करके यहाँ आया और मुझको 1972 में महाराज ने दया किया और वो चोगा मनुष्य बनों का पहनाया और मुझको एक निर्देशाला दिया कि इस पर अभ्यास करना और सत्संग कराना। ये मुझे पसंद नहीं था, मैं इस काबिल अपने को समझता भी नहीं था। और उस समय अपने अभी कॉलेज में सर्विस में था और मेरे अभी बाल बच्चे थे। लेकिन मुझे ये रहस्य कब खुला, 1972 में तो ये हुआ, 1975 में मैं इंटरमीडिएट बोर्ड यूपी के टेबुलेशन में था,
महाराज की आज्ञा थी कि जब तुमको मौका मिला करे तो धाम पर आया करो और समाधि पर अपना योग अभ्यास किया करो, सत्संग कराया करो। तो समर वेकेशन में मैं बोर्ड के काम में था और अपने टेबलेशन वर्क में था। एक बैठ मुझे ये मालूम हुआ कि अरे दाता दयाल ने जो कहा था कि अच्छा जी प्रेमानंद तुम्हारा भी एक दिन वक्त आएगा, वो महाराज ने ये मोहर लगाई कि मुझको ये चोला दिया, ये काम दिया। मैंने ये सोचा कि महाराज महर्षि जी तो चोला छोड़ गए सन 39 में, महर्षि जी ने कभी परम जारी से कहा नहीं कि तुम प्रेमानंद को यह काम देना। महर्षि जी ने मुझको ये काम दिया तो मुझे ये समझ में आया कि परम दयाल जी जो है ये कोई दूसरे नहीं है। दाता दयाल जो कह गए मुझको इस कोड लैंग्वेज में कि अच्छा जी प्रेमानंद तुम्हारा भी एक दिन वक्त आएगा, वो समझाया परम दयाल जी महाराज ने। अगर परम दयाल जी महाराज ने ये काम मुझे न दिया होता तो मुझे दाता के वो वाक्य का अर्थ कभी न खुलता, आज भी न खुलता। आज मैंने महाराज के चरणों में बतला दिया कि महाराज ने जो काम दिया था ये दाता दयाल ने दिया था और उसको समझाया मुझको परम दयाल जी, नहीं तो मेरे समझ में ना आता। ये तो संतों का आंतरिक परिचय है। एक संत दूसरे संत से अलग और दूसरे नहीं होते। उस दिन 72 में मुझे ये समझ आई कि संत संत एक होता है, अलग अलग नहीं होता। और संत कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। सतगुरु कभी मरता नहीं, केवल ये शरीर बाहर का बदलता है। और सतगुरु आपके अंदर, हमारे अंदर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने अंतर में प्रकाश और शब्द में रहता है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो प्रकाश है वही संत सतगुरु का असली स्वरूप है। और ये जिस्मानी स्वरूप तो उसने धारण किया है ताकि हम लोग उनके बातों को समझ सकें। एक तो ये बस। इसके बाद मैं वैसी बात कहना चाहूंगा जिससे कि ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय था जो मैंने महाराज के चरणों में आज दिया, कि आपने जो काम दिया है वो आपका दिया हुआ काम है सर आंखों पर, और आपके दाता दयाल ने मुझको जो दिया था मुझे समझ ना आती, महाराज ने समझा दिया। हम साधारण जीव जो है अक्सर लोग कहते हैं, पूछते हैं, बात सही है कि हम क्या करें, ध्रुपद में तो सब पहुंचता नहीं। हम साधारण जीव इस जगत व्यवहार में रहते हैं, हमारा ये जगत व्यवहार ही अगर बन जाए तो हम आप से आप अपने निज रूप में एक दिन आ जाएंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर जो प्रकाश है वो बाहर से ले नहीं आना है। हमें आपको कोशिश करके बाहर से प्रकाश लाना नहीं है, हमें और आपको कोशिश करके बाहर से अनहद शब्द भीतर लाना नहीं है। वो तो सदा होता रहता है, सहजे ही ध्वनि होता है हरदम घट के मान। सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नाही। हमारे और आपके अंदर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे वो डाकू क्यों ना हो जिसने 10 कत्ल किए हो, उसके अंदर भी वही प्रकाश और शब्द है जो हर किसी के अंदर है। हम लोगों ने उसका साधन नहीं किया, उसमें ठहरे नहीं, लेकिन उसकी जड़ क्या है। हमारे और आपके विचार जो हैं अगर ये सही हो और जगत व्यवहार हमारा बिल्कुल सच्चा और ठीक हो तो हमें यही कोशिश करना है। और शब्द और प्रकाश लाने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, वो तो सदा होता रहता है। हम चाहे प्रकाश में जाए या न जाए वो तो होता रहता है। हम आप तो खा के सो जाते हैं, अटड़ियों को हम तो चलाते नहीं, अटड़ियां आप से आप चलती रहती है, फेफड़ा आप से आप चलता रहता है, हम तो फेफड़े को चलाते नहीं, फेफड़ा आप से आप सांस लेता रहता है। उसी तरह से असल में हम जो सांस लेते हैं इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा तो सांस का फेफड़े में आता है और फेफड़ा संचारित करता है जिससे हमारा ये पिंड जगत चलता है, और वायु का दूसरा हिस्सा ऊपर ब्रह्मांड में जाता है जिससे कि हमारा ब्रह्मांड का जगत जो है वो चालित होता है। ये जो वायु जाती है ऊपर, प्राण वायु, उदान वायु, ये ही हमारे सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है, भिन्न भिन्न चक्रों पर होती हुई ऊपर जाती है। और इन चक्रों के, नाड़ियों के बीच से जब हवा पास करती है तो वहां ध्वनियां होती हैं। पतले रास्ते से जब भी हवा पास करेगी वहां ध्वनि होगी। आप सीटी बजा के देख लीजिए, इंजन में सीटी बजती है, जब भी पतले मार्ग से हवा पास करेगी वहां ध्वनि होगी। भिन्न भिन्न चक्रों पर हवाएं पास करती हैं, ये ध्वनियां होती हैं। हमारे आपके प्रकृति के भिन्नता के कारण त्रिकुटी तक, त्रिकुटी स्थिति तक, हमारे आपके प्रकृति के भिन्नता के कारण ये वायु जो
पाठ करती है पतली नड़ी से, ये भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द करती है। हमारे और आपके शब्द जो त्रिकुटी के अंतर में कभी मिलते नहीं। शून्य मां शून्य के ऊपर निकल जाने पर हमारा आपका एक अंडा हो जाए। तो ये जो विचार है हमारा आपका, यही हमको और आपको भीतर प्रवेश नहीं करने देती। अगर हमारा विचार ठीक नहीं है, जरा भी हमारा विचार गंदा है, तो जिस मात्रा में हमारा विचार अशुद्ध है, मैं और तू का हेरा फेरी का जितना अंश है, उतना ही अंश हम भीतर में ही गंदे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि आप तो हमको जानते नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा था बाजार में कोई सामान खरीदने, आप मिल गए, संयोग से मुलाकात हुई, तो मैं कहूंगा कि अरे भाई साहब, मैं तो आपके यहां जा रहा था, आपसे मिलने के लिए आता, हालांकि मैं भाई साहब क्या नहीं जा रहा था।